नमस्कार, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अतिथि शिक्षक अपने मोबाइल से खुद करें घर बैठे अपनी ज्वाइनिंग। इस तरह करना है अतिथि शिक्षकों को अपनी GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। अतिथि शिक्षक अत्यधिक परेशान है, बहुत सारे कमेंट्स से कमेंट बॉक्स में देखने मिले हैं। भिन्न प्रकार के YouTube पर वीडियो ज्वाइनिंग से संबंधित सर्च कर रहे हैं कि आखिर ज्वाइनिंग कैसे करना है। परेशान होना भी लाज है, क्योंकि यदि ज्वाइनिंग वो स्वयं नहीं करते हैं तो 7 अगस्त के बाद उनकी नियुक्ति निरस्त हो जाएगी। इस कारण से परेशान होना भी लाज है। किंतु अभी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि जो रिक्तियों का अपडेशन है का कार्य वह चल रहा है और 30 जुलाई को अतिथि शिक्षक से संबंधित रिक्ति शो होगी और यह जानकारी प्राप्त होगी कि आपके विद्यालय में आपकी विषय की रिक्ति है या नहीं है। इस कारण से बिल्कुल भी परेशान ना हो। जल्दबाजी में बिल्कुल भी आप ज्वाइनिंग ना करें, क्योंकि आप ज्वाइनिंग 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चल रही है और 1 अगस्त को भी आप ज्वाइनिंग ना लें। आप 2 अगस्त को ज्वाइनिंग करें, क्योंकि 1 अगस्त को ज्वाइनिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी लेकिन पोर्टल पूर्णतः अपडेटेड नहीं होगा, जिस कारण से हो सकता है कि आपको ज्वाइनिंग कर लेने में दिक्कत आ जाए, आपको ज्वाइनिंग करने में दिक्कत आ जाए। ज्वाइनिंग करने में किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, जल्दी का काम शैतान का। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, आराम से करें और जब तक 1 या 2 व्यक्ति कर लें इसके बाद करें। अब कई यह समस्या भी उत्पन्न हो रही है कि सर ज्वाइनिंग कैसी करनी है, क्योंकि कई अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिनकी ऑनलाइन कार्य नहीं बनता है। तो आपके लिए सिंपल सा तरीका है, या तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसी पूरी प्रक्रिया होगी हम स्टेप बाय स्टेप बता देंगे कि आपको करना कैसे है, क्या क्या करना है, पूरा डिटेल से वीडियो लाएंगे। या फिर दूसरा कार्य है, आप किसी भी ऑनलाइन की दुकान पर चले जाएं, वहां पर आप अपनी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। यदि आपको यह इस पर भी विश्वास नहीं है तो अपने संकुल प्राचार्य संकुल जाएं, संकुल में जो बाबू हैं गत वर्षों में जो ज्वाइनिंग करते थे उनके माध्यम से भी अपनी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। इससे बड़ी ही आसानी से बिना किसी त्रुटि के आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन हम आपको यही सुजेस्ट करेंगे कि आप अपनी ज्वाइनिंग स्वयं करें, और ज्वाइनिंग करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइनिंग कर ली तो आपकी ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग आपकी तभी मानी जाएगी जब उसका प्रमाणीकरण शाला प्रभारी देगा। इसलिए 2 प्रतियां निकाल कर एक शाला प्रभारी के पास और एक अपने पास स्वयं जमा कर लें, तभी आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट मानी जाएगी। क्योंकि जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, शाला प्रभारी को वह पावती अपलोड भी करना अनिवार्य है। जब तक पोर्टल पर वह पावती अपलोड नहीं होती है तब तक ज्वाइनिंग नहीं मानी जाएगी। इसलिए अभी आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, ना यूट्यूब पर परेशान हो वीडियो सर्च कर करें ज्वाइनिंग कैसे करनी है, क्योंकि अभी पोर्टल ही अपडेट नहीं हुआ। और 1 अगस्त को बिल्कुल ज्वाइनिंग ना लें, 2 अगस्त से प्रारंभ करें, क्योंकि 1 अगस्त को हो सकता है कोई ना कोई पोर्टल पर त्रुटि हो या कुछ अपडेशन ना हो पाया हो। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए।